देखिए बन के तैयार है भरुआ बैगन। ये कितना सुंदर लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बैगन भरुआ, कि बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है। देखिए बहुत टेस्टी होता है। आप कुछ भी साथे, पराठा साथे, चावल साथे खा सकते हैं, बना के खाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाते बनाते मसाला दिखा देंगे। आज हम बनाने वाले हैं भरुआ बैगन। इसको धो लिए हैं, कट लगा लिए हैं। हम थोड़ा बड़ा बड़ा बैगन लिए हैं, आप छोटा बना सकते हैं। 5 ठो लिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला लगाएंगे। हल्दी है, नमक है, लगा लेते हैं। देखिए इस तरह मसाला लगाएंगे। देखिए लग गया है। अब चलिए गैस ऑन करते हैं, इसको भूंज लेंगे। कढ़ाई रख दिए हैं, तेल भी डाल दिए हैं। इसमें बैगन डाल दे रहे हैं, तेल गरम हो गया है। इसको ढक दे रहे हैं। बीच बीच में देखेंगे, देख लेते हैं बैगन हुआ है कि ना। देखिए उलट दे रहा है बैगन को। इन इसको ढक दे रहे हैं। देखिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है, ढक ढक के पकाए हैं। देखिए हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बस कम ही रख के बनाइए, अच्छी करिएगा, भूंजिएगा। कम रख के आप ढक ढक के भूनने हैं, निकाल लेते हैं। देखिए सब निकाल लिए हैं बैगन। मसाला की तैयारी करते हैं। बैगन भूंजे हैं, इसी में तेल है, हम इसी में और तेल डाल दे रहे हैं। देखिए सरसों है और जीरा है, तड़का लगा दे रहे हैं। इसको 2 मिनट तक लग चटकने देंगे। देखिए 2 मिर्च लिए हैं, तो डाल दे रहे हैं। तड़का चटक गया है। 1 प्याज काटे हैं, बारी बारी करके काट लिए हैं, डाल दे रहे हैं। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। देखिए हो चुका है, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, प्याज जल जाएगा। हम यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट बनाए हैं। इसी में 4 ठो ललका मिर्ची पीस लिए हैं, डाल दे रहे हैं। प्याज भी पीसे हैं, 1 ठो बड़ा प्याज पीस दिए हैं इसी में। इसको कुछ सेकंड तक ला भूंजेंगे, कच्चापन चल जाएगा। जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च के पाउडर है, डाल दे रहे हैं। इसको डाल के भून लेते हैं। भरुआ बैगन बहुत टेस्टी होता है, कुछ भी साथे खा सकते हैं, पराठा चावल, बहुत टेस्टी बनता है। तो टमाटर के पेस्ट बनाए हैं, डाल दे रहे हैं। आप टमाटर डाल सकते हैं, ना तो न भी डाल सकते हैं, ऐसू भी बनता है। हम टमाटर डाल के बना रहे हैं। टमाटर डालने से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी आउ हो जाता है टेस्ट भरुआ बैगन में। मसाला के भूंज लेंगे अच्छे तरह, जब तक तेल नहीं ऊपर आ जाएगा। जब तक मसाला भून जाएगा तभी तो टेस्टी होता है। मसाला के पानी धो के सब डाल दिए हैं बर्तन। अब इसको ढक दे रहे हैं, ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट हो चुका है, तेल भी निकल गया है, मसाला भून जा गया है। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर एक कच्चा बादाम लिए थे, उसको भूंज लिए हैं, भूंज के पेस्ट बना लिए हैं, डाल दे रहे हैं। 100 ग्राम लिए थे कच्चा बादाम। अब इसको 2 मिनट तक ला भूंज लेंगे मसाला के साथ में, मसाला मिल जाएगा।
पर धनिया पत्ता लिए हैं वो भी डाल दे रहे हैं, मसाला के साथ में भूंजा जाएगा। देखिए 2 मिनट हो चुका है, राम डाले थे वो भी भूंजा गया है मसाला के साथ में। मैं अब बैंगन डाल दे रहे हैं, भूंज के रखे थे बैंगन, ये हम इसमें बैंगन डाल दे रहे हैं, मसाला मिला लेंगे। गैस कम कर दिए हैं, अब इसको 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं, मसाला सब ढुक जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसको देख लेते हैं, तेल भी आ गया है ऊपर, कितना सुंदर लग रहा है, खुशबू तो इतना सुंदर आ रहा है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा कच्चा उच्चा रहता है तो पानी दे देंगे थोड़ा हल्का। एक गिलास पानी लिए हैं, डाल दे रहे हैं। बैंगन भरुआ तो गाढ़ी रहता है, हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक गिलास पानी डाले हैं, कम करके ढक देंगे, थोड़ा बहुत कच्चा उच्चा है वो पक जाएगा सब। 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं, तो सब करते हैं, ढक के पकाएंगे 5 मिनट। देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसको देख लेते हैं, देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है, मसाला भी गाढ़ी हो गई है, देखिए ग्रेवी ठंडा हो जाएगा तो फिर ना गाढ़ी हो जाएगा। अब गैस बंद कर दे रहे हैं, गैस बंद करके 5 मिनट तक ला छोड़ देंगे ढक के, उसके बाद सॉप कर लेंगे। गैस बंद कर दे रहे हैं, देखिए गरम मसाला डाले नहीं हैं, डाल दे रहे हैं, पेस्ट बनाए हैं, अब गुड़ा भी डाल सकते हैं। और ये धनिया पत्ता है, देसी धनिया पत्ता है, घर में है, डाले हैं, बहुत टेस्टी होता है, खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। अब ढक दे रहे हैं, गैस बंद कर दे रहे हैं। देखिए सॉफ्ट कर लिए हैं बैंगन भरुआ, आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। इसे वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, बाय।